समुद्र में एक जहाज भारी तूफान में बर्बाद हो गया। उस जहाज का एक जीवित बचा व्यक्ति तैरकर एक निर्जन द्वीप पर चला गया। होश में आने के बाद उसने सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। वह हर दिन द्वीप के किनारे आकर इस उम्मीद में बैठ जाता था कि कोई जहाज उसकी ओर आएगा, लेकिन हर दिन उसे निराश होकर लौटना पड़ता था। इस बीच उसने समुद्र तट पर उसके लिए एक छोटा सा घर बनाया। वह समुद्र से मछलियां पकड़कर और जंगल से फलों को तोड़कर जीवित रहता था। इसी बीच एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल में चला गया। जब वह जंगल से लौटा तो उसने देखा कि उसके खाना पकाने के चूल्हे की आग ने पूरे घर को राख में बदल दिया है और उसका काला धुआं आकाश में भर गया है। वह आदमी चिल्लाया, हे भगवान, तुमने इसे मेरे भाग्य में छोड़ दिया है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे बचाने के लिए एक जहाज के द्वीप की ओर आने की आवाज आई। वह आश्चर्यचकित हो गया और बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ फंसा हूँ? जहाज के कप्तान ने कहा, तुम्हारे जलते धुएं का संकेत देखकर। और इस तरह उस आदमी की जान बच गई और वो सही सलामत अपने घर पहुँच गया। तो बताओ बच्चों, इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? कभी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए।